कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब नाटक चल रहा है। सपना दिखाकर नीतीश कुमार जी को एनडीए से महागठबंधन में ले गया और अब महागठबंधन में जाने के बाद भी उनका सपना टूट चुका है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि अब नीतीश कुमार के का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। विपक्षी एकता को लेकर पटना में होने वाली बैठक पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। दरअसल लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित कार्यक्रम का जायजा लेने बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेता स्थल निरीक्षण के लिए जा रहे थे, जिसमें सम्राट चौधरी के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, सांसद शंभूसरण पटेल समेत कई नेता शामिल थे। इसी दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता शशिशंकर शर्मा उर्फ गुड्डी के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार चंदन, वरिष्ठ भाजपा नेता नीलेश कुमार पवन, दिलीप कुमार टुनटुन, राकेश कुमार समेत दर्जनों भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं का मोकामा के हाथीदह में भव्य स्वागत किया। इसी दौरान विपक्षी एकता की बैठक को सम्राट चौधरी ने नौटंकी करार देते हुए कहा कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब नाटक चल रहा है। सपना दिखाकर नीतीश कुमार जी को एनडीए से महागठबंधन में ले गया और अब महागठबंधन में जाने के बाद भी उनका सपना टूट चुका है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि अब नीतीश कुमार के का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनेगा।